नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडित जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं संतान सप्तमी व्रत प्रथम बार कैसे करना चाहिए, सबसे पहली बार शुरू कैसे करें, इसी पर चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, अच्छे से सब पूरी जानकारी आपको आज देंगे। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखती हैं तो आपको पूरी जानकारी संतान सप्तमी शुरू करने से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, आपको हर जगह बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, संतान सप्तमी व्रत जो है सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की माँ देवकी ने किया था और लोमस ऋषि के कहने पर किया था। इस व्रत को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और पूरा वीडियो देखें तब जाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस व्रत को कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको बताएं, यदि आप प्रथम बार इस व्रत को कर रही हैं तो इस व्रत में लगने वाली संपूर्ण सामग्री आपके मायके से आनी चाहिए। इस व्रत में लगने वाली संपूर्ण सामग्री, पूजन सामग्री हो, श्रृंगार सामग्री हो, कुछ भी हो, वह सब आपके पिताजी के घर से आनी चाहिए, यानी कि कन्या पक्ष से आना चाहिए। और यदि मान लीजिए आपके घर वाले देने में असमर्थ हैं, या फिर मान लीजिए आपका घर बहुत दूर है जहाँ से आ नहीं सकता है, या फिर आर्थिक रूप से वो लोग संपन्न नहीं हैं, तो क्या करना चाहिए, तो आप वहाँ से पैसा मंगा लीजिए। आज तो फोन पे का ज़माना है, आप पैसा मंगा लीजिए और सारी सामग्री उनके पैसे से ले लीजिए। यदि मान लीजिए बहुत गरीब हैं, सारी सामग्री नहीं दे सकते, तो कुछ पैसा ले लीजिए उनसे और उसी को मिला करके और सामग्री अपने पास से लगा कर पैसा पूरी सामग्री ले लीजिए। देखिए, इस व्रत को करते समय सबसे पहले जो आवश्यक है उसको सुनिए। जो कड़ा है, आप समझ रहे हैं, आपने यदि संतान सप्तमी का वीडियो देखा है, किसी से सुना है, तो इसको जरूर जानते होंगे कि उसमें एक कड़ा पहना जाता है हाथ में, जो कि चांदी का होता है। सामान्य रूप से चांदी का होता है, यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो सोने का या हीरे इत्यादि का भी बनवा सकते हैं। कड़ा होता है, चूल्हा कड़ा जो भी बोलते हैं, कंगन इत्यादि, एक सामान्य मात्रा में आप उसे बनवा लीजिए। मान लीजिए आप उसे 50 ग्राम या 100 ग्राम जो भी बनवाती हैं, कुछ ग्राम का या कुछ तोला का आप बनवा लीजिए, ठीक। और जितनी बार मलमास पड़ता है, आप इस व्रत को साल भर में एक बार करेंगे, हर वर्ष आप शुरू कर देंगे, करते रहना है, जब तक आपकी इच्छा हो तब तक कर सकती हैं। जितनी बार मलमास पड़ता है, मलमास तीसरे चौथे साल पड़ा करता है, तब इसे आपको 20 आना उसमें और ऐड करवाना है, यानी कि बढ़वाना है। मान लीजिए आपके घर में आपका कोई पुत्र होता है, उसका मुंडन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तब भी इसे 20 आना बढ़वाना है। जब इसका वजन अधिक हो जाए, आपको लगे कि ज़्यादा हो गया, आपको कुछ दिक्कत हो, कंफर्टेबल ना रहे, तब इसे आप अपने बहू को दे सकते हैं, अपने पुत्र के लिए या अपने नाती के लिए, अपने पौत्र के लिए कुछ बनवा सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, पैर के लिए कुछ नहीं बनवाना है, कमर तक के लिए कुछ भी बनवा सकती हैं। इसके बाद आपको बताएं कि सारी सामग्री मायके से आती है, ये जानकारी आपको प्राप्त हो गई। इस व्रत में विशेष ये होता है कि आप उस दिन व्रत में केवल 7 पूरी ही खाएंगे और वो पूरी मीठा से बनी होनी चाहिए। पूरी में चीनी या शक्कर गुड़ डाल करके पूरी आप बनाएंगे। आप जितना खा सकती हैं, मान लीजिए आप 250 ग्राम खाती हैं, तो उतना आटा ले लीजिए और उसमें जितना आप मीठा आपको पसंद हो, अधिक पसंद हो तो उसमें अधिक चीनी इत्यादि डाल लीजिए, और कम पसंद हो तो थोड़ा कम चीनी डाल करके और इसे अच्छे से बना लीजिए। मान लीजिए आप अधिक खाती हैं तो 500 ग्राम कर लीजिए, और कम खाती हैं तो 100 ग्राम, लेकिन बनाना आपको 7 पूरी ही है। 7 पूरी आप अपने खाने के लिए बनाएंगी और 7 पूरी आप भगवान को चढ़ाने के लिए बनाएंगी। तो जो चढ़ाने वाले उसकी मात्रा आप अधिक कर सकती हैं, जितने लोगों को आप आमंत्रित करें पूजन में उनको प्रसाद बांटने के हिसाब से इसे बना सकती हैं। मान लीजिए आप कम लोगों को बुलाती हैं घर पर पूजन में, तो थोड़ा कम बनाइए, छोटी छोटी बनाइए। आपका खुराक भी कम है तो आप थोड़ा कम बनाइए, अधिक खुराक है तो आप उस हिसाब से बना करके और सबको वितरित करेंगे जो चढ़ाएंगे भगवान को, और अपने लिए जो 7 पूरी बनाएंगे उसे अलग रखेंगे। एक और बात, जैसे कड़ा हम बनवाते हैं उसी प्रकार से एक 7 गांठ वाला धागा होता है, एक धागा में 7 गांठ लगाया जाता है, उसे भगवान को चढ़ाया जाता है, और एक धागा होता है जिसमें 7 गांठ लगा करके भगवान को चढ़ा करके आप स्वयं धारण करते हैं। ये धागा किस लिए होता है, तो इस धागा के लिए कहा जाता है कि आप मान लीजिए कभी ऐसा हो कि आपका कड़ा टूट जाए, या कड़ा पहनने में असमर्थता हो, या कहीं आपको जाना हो जहाँ कड़ा पहनने के लिए मना हो या दिक्कत हो, तब आप इस धागे को पहन लीजिए
और या फिर धागे को पहने रहिए, कड़ा टूट जाए या धागा टूट जाए तो एक आइटम आपके हाथ में होना चाहिए। और सतर्कता के लिए आप 3 धागा इसी प्रकार का बना लीजिए, एक धागा चढ़ा करके रखे रहिए, जब आपको आवश्यकता पड़े या फिर धागा कड़ा टूट जाए तब उस तीसरे धागे को आप पहन सकते हैं। ये रही बात धागा की। इस व्रत में 7 प्रकार का फल भगवान को अर्पित करके और प्रसाद बांटना चाहिए। कोई भी ऋतु फल हो सकता है जो आपके गांव घर में उपलब्ध हो वो, या मार्केट से मंगा करके कोई भी 7 प्रकार का फल। और इस व्रत में भगवान शंकर जी का सपरिवार, मिट्टी के शंकर जी बना करके सपरिवार पूजन किया जाता है। और यदि आप गांव में हैं तो मिट्टी आराम से उपलब्ध हो जाएगी, छोटे शहर कस्बा में है तब भी उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन आप कहीं बड़े महानगर में हैं तब आपको वहां पर मिट्टी नहीं मिलेगी जिससे आप भगवान बना सकें। तो आपको क्या करना है, एक भगवान शंकर की पूरे परिवार सहित, जिसमें गणेश जी हों, कार्तिकेय हों, पार्वती जी हों, उस फोटो को खरीदिए और रख करके अच्छे से उनका पूजन करिए। बात करें कि कैसे पूजन करना है, कि इस विधि विधान पर भगवान शंकर जी का कैसे पूजन किया जाता है संतान सप्तमी पर, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, संतान सप्तमी पूजन विधि बाय गोपाल पंडित जी, यदि आप सर्च करेंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। और बात करें कौन कौन सी सामग्री लगेगी, तो इसके लिए भी हमने वीडियो बना रखा है, इनको आप देख लीजिए। और प्रथम बार शुरू करने के लिए केवल इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है जो आपसे मैंने बता दिया। सबसे आवश्यक है कि आपके मायके से ही सारी सामग्री आनी चाहिए, सामग्री ना है तो उसका मूल्य आना चाहिए। तो इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो, सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप अपने YouTube चैनल गोपाल पंडित जी से जुड़ी रहें, इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करते रहें। फिर मिलते हैं किसी नई और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री नारायण।